नमस्कार दोस्तों, वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, MSBU यानी कि महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बड़ा नोटिस जारी हुआ है, जो कि आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आप सभी को मैं बताता हूँ पूरी अपडेट के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, और सबसे पहले मैं प्रूफ के लिए बता दूँ, 23 मार्च 2022 यानी कि आज ही ये नोटिस जारी हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पर। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो, जो शिवम पाठी यानी कि दोस्तों जो प्राइवेट के स्टूडेंट हैं, उनकी प्रायोगिक प्रशिक्षण शुल्क व साथ में तिथि की सूचना को लेकर ये नोटिस जारी हुआ है। यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ कि कितना फीस, जो एग्जाम फीस रहती है वो कितनी रहने वाली है नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट्स के लिए। साथ ही में और भी बाकी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बार बार बोलता हूं कि वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, जिससे कि आप सभी को जो डाउट है आपके वो क्लियर हो जाए। बाकी आप बाद में कमेंट करके बोलते हो कि सर हमें ये समझ में नहीं आया और ये चीज कब से स्टार्ट होने वाली है, तो आप यहीं पर वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। विश्वविद्यालय से संबंध, स्नातक विज्ञान संकाय पाठ द्वितीय तृतीय, कला संकाय पाठ प्रथम द्वितीय तृतीय परीक्षा 2022 में जिन प्रश्न पाठ्य परीक्षार्थियों ने प्रायोगिक विषय गणित, प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गृह विज्ञान छात्राओं के लिए भूगोल एवं स्नातकोत्तर में भूगोल एवं गणित प्रायोगिक विषय का चयन किया है, उन्हें चयनित प्रायोगिक विषयों में प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। यहाँ पर और इसी के बाद दोस्तों, यहाँ पर जो वेबसाइट दी गई है उस पर देख सकते हो कि केंद्रों की सूची व प्रशिक्षण शुल्क संबंधी सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान से देखना दोस्तों, किस सब्जेक्ट के लिए कितनी फीस रहने वाली है, यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। साथ में जो प्रशिक्षण शिविर है, सब कुछ यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हो, विज्ञान संकाय के लिए जो स्नातक यानी UG के छात्र हैं, उन सभी के लिए महाविद्यालय को देय राशि प्रति विषय आपकी रहेगी 1390। साथ में विश्वविद्यालय को देय राशि प्रति विषय परीक्षा फॉर्म के साथ भरी आएगी, वो रहेगी आपकी 590। इसी के साथ दोस्तों, जो कुल राशि आपकी रहेगी दोनों की मिलाकर, वो रहेगी 1980 रुपये। और बिना विलंब शुल्क आपका रहेगा, जो डेट रहेगी वो रहेगी 24 मार्च 2022 से लेकर 30 मार्च 2022 तक रहने वाली है। इसी के बाद दोस्तों, जो कला संकाय के स्टूडेंट हैं उनके लिए देख सकते हो, 920 रुपये लगेंगे जो कि देय राशि प्रति विषय रहेगी, और साथ में परीक्षा फॉर्म के साथ आपके लगेंगे 400 रुपये जो कि टोटल राशि रहेगी 1320 रुपये। इसी के बाद दोस्तों, जो PG स्नातकोत्तर भूगोल के लिए रहने वाले हैं, राशि प्रति विषय रहेगी 1920 रुपये, और परीक्षा फॉर्म के साथ आपकी जो राशि रहेगी वो रहेगी 830 रुपये, यानी टोटल रुपीज आपके रहेंगे 2780 रुपये। बाकी मैंने यहाँ पर आपको विलंब शुल्क बता दिया, जो कि प्रायोगिक प्रशिक्षण शुल्क जमा कराने की तिथि के अनुसार रहने वाला है। और साथ ही में दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से आप देख सकते हो कि बिना परीक्षा फॉर्म के किसी भी परीक्षार्थी का प्रशिक्षण शुल्क जमा नहीं किया जाएगा, यानी परीक्षा फॉर्म के आपका अगर आपने परीक्षा फॉर्म नहीं भराया तो आपका जो प्रशिक्षण शुल्क है वो जमा नहीं किया जाएगा। बाकी यहाँ पर और भी कुछ अपडेट दिया गया है, जो कि आप पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो ये नोटिस है वो काफ़ी लंबा चौड़ा नोटिस है। साथ में जो स्वयं पाठी यानी कि जो प्राइवेट प्रायोगिक परीक्षा 2022 के लिए परीक्षार्थियों तथा प्रायोगिक प्रशिक्षण केंद्र संबंधी दिशा निर्देश भी यहाँ पर बिल्कुल आपको एक तरह से क्लियर दिए गए हैं। बाकी यहाँ पर ये नोटिस आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ पर जाकर आप चेक कर लेना। और ये फॉर्म आपका रहने वाला है कुछ इस प्रकार से, अपना फॉर्म है वो आप भर सकते हो। विश्वविद्यालय परीक्षा 2022 में प्रायोगिक विषय का चयन करने वाले स्वयं पाठी प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षण हेतु पंजीकरण फॉर्म यहां पर आपको दिया गया है। बाकी यहां पर आपको अपनी फोटो लगाना है, और बाकी जो ये एक तरह से फॉर्म है इसको आपको भरना होगा अगर आप कोई भी विषय चयन करते हो अपना प्रायोगिक परीक्षा के लिए, प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए। तो इस प्रकार से देख सकते हो, साथ में यहां पर केंद्रों की सूची दी गई है कि किस डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन सा महाविद्यालय रहने वाला है, साथ में महाविद्यालय का यहाँ पर कोड भी दिया गया है। बाकी आपको नोटिस टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो बस आज के लिए इतना ही, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, गुड बाय।